हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम योर इंग्लिश टीचर वंदना मैम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 10, राइटिंग पेपर एंड प्रिंटिंग, लेखन, कागज और छपाई। स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि जो हम लोग लिखते हैं तो किसने सोचा, कैसे लिखा जाने लगा, और पेपर कैसे पेपर बना, और प्रिंटिंग कैसे होने लगी, कैसे इतनी सारी बुक्स बन गई, कैसे किसी ने जो है इसको सोचा कि हम जो है प्रिंट करें। तो इस चैप्टर में हम इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन बींग्स आर गिफ्टेड विद द एबिलिटी टू रीजन क्वेश्चन एंड द एबिलिटी टू इम्प्रूव अपॉन कम्युनिकेशन स्किल्स। On this basis, human have been also able to convey ideas, message, make inquiries and provide solutions. Various mediums have been used for the purpose. With the advent of civilized societies, a marked improvement in communication techniques has been noticed. Let us now read the story of writing and communication. ह्यूमन बींग्स आर गिफ्टेड विद द एबिलिटी टू रीजन। ह्यूमन बींग्स मतलब मानव, उसे जो है गिफ्ट किया गया है, भगवान ने उसे जो है ये शक्ति दी है कि वो क्या कर सके, मतलब रीजन कर सके, सोचने की क्षमता उसके अंदर है, क्वेश्चन उसके अंदर जो है प्रश्न करने की जो है योग्यता है, एंड द एबिलिटी टू इम्प्रूव अपॉन कम्युनिकेशन स्किल, और जो है वो क्या कर सके, अपनी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को, बातचीत करने के जो तरीके हैं उनको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। ये सारी योग्यताएं जो है ह्यूमन बींग्स में हैं, इस तरीका जो है ह्यूमन बींग्स को गिफ्ट मिला है। देखिए, गॉड ने ही जो है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ये सब क्रिएट किया है, लेकिन जो है कुछ एबिलिटी है जो ह्यूमन बींग्स में ही है, जैसे कि एबिलिटी टू रीजन, सोचने की योग्यता, क्वेश्चन एंड एबिलिटी टू इम्प्रूव अपॉन कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने की योग्यता। ऑन दिस बेसिस ह्यूमंस हैव बीन एबल टू कन्वे आइडियाज, मैसेज, मेक इंक्वायरीज एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस। ऑन दिस बेसिस, इस आधार पर जो इंसान है, मतलब जो मानव है, वो जो है एबल है कि वो क्या कर सके, जो है कन्वे कर सके, किसी और तक पहुंचा सके अपने जो है आइडियाज, अपने विचारों को, स्पीच को, मैसेजेस और जो है इंक्वायरीज जो उसकी होती हैं, प्रोवाइड सॉल्यूशन, किसी को जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। वेरियस मीडियम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द दिस पर्पज, और वो जो है इसके लिए बहुत सारे जो है माध्यम का यूज करता है। विद द एडवेंट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी है वो सिविलाइज्ड हुई, अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैज बीन नोटिस्ड। तो जो कम्युनिकेशन टेक्निक है उसमें जो है एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट जो है वो नोट किया गया कि हाँ, उनमें जो है एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेट अस नाउ रीड द स्टोरी ऑफ राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। हम लोग जो है इसकी स्टोरी रीड करेंगे कि जो है कैसे राइटिंग और जो कम्युनिकेशन है इसकी स्टोरी क्या थी, कैसे ये स्टार्ट हुआ। राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट वे इन विच पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर। साइन एंड सिम्बल्स मार्क्ड ऑन अ सर्फेस कन्वे सर्टेन आइडियाज टू द रीडर। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज ड्राइंग आर पेंटिंग। दिस वॉज एन ईजी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, बट इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग। दस अ सिंपल फॉर्म वॉज डेवलप्ड विच मेयरली यूज इन साइंस एंड सिंपल। द फर्स्ट पीपल हु इंट्रोड्यूस्ड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ राइटिंग वर द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया। द सिंबल एंड साइंस यूज फॉर राइटिंग वर रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट विच were introduced by the Greeks. The oldest script in India have been found in the scripts of the Indus Valley Civilization. Archaeologists have given the task of deciphering the scripts to learned researchers. The Indian scripts used today have their derivation from the Brahmi script. Writing is an important way in which people communicate with each other. जो राइटिंग है, लेखन, ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कम्युनिकेट करने का, जिससे लोग एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करते हैं। साइंस एंड सिंबल्स मार्क ऑन अ सर्फेस कन्वे सर्टेन आइडियाज टू द रीडर।
रीडर। और जो कुछ साइन होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, ये मार्क किए जाते हैं जिससे जो है किसी के भी जो है निश्चित जो विचार होते हैं वो रीडर तक जो है पहुंच जाते हैं। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज ड्राइंग और पेंटिंग। जो प्राचीन समय की जो राइटिंग थी वो उसका जो तरीका था वो ड्राइंग और पेंटिंग था। दिस वॉज एन ईजी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। ये एक बहुत ही सरल तरीका था अपने आइडियाज को जो है एक्सप्रेस करने का, बट इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता था। दस अ सिंपल फॉर्म वॉज डेवलप्ड विच मेरली यूज इन साइन एंड सिंपल। उसके बाद जो है फिर एक सिंपल तरीका जो है डेवलप हुआ जिसमें हम लोग साइन और सिंपल का यूज करने लगे। द फर्स्ट पीपल हु इंट्रोड्यूस्ड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ राइटिंग वर द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया। सबसे पहले जिन्होंने जो है प्रॉपर सिस्टम राइटिंग का दिया, लिखने का प्रॉपर तरीका दिया, वो थे सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया। द सिंबल एंड साइंस यूज फॉर राइटिंग वर रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीस। फिर सिंबल और साइंस को भी रिप्लेस कर दिया गया लिखने के लिए, और उनकी जगह पर किसका यूज होने लगा, अल्फाबेट का, जैसे कि आज हम लोग करते हैं। तो ये किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रीस के द्वारा। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडिया हैव बीन फाउंड इन द स्क्रिप्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारी जो सबसे प्राचीन लिपि है इंडिया की, वो जो है पाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन द टास्क ऑफ डिस्फरिंग द स्क्रिप्ट टू लर्न रिसर्चर्स। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो है टास्क लिया था कि वो क्या करेंगे, स्क्रिप्ट जो लिपि होती है टू लर्न रिसर्चर्स, जो उनके पास जो डिस्क्राइब करने की जो लिपि होती है डिस्फरिंग जो स्क्रिप्ट होती है, वो लर्न रिसर्चर्स से जो है ये टास्क उन्होंने लिया, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये टास्क जो है लिया था किससे, लर्न रिसर्चर से, कि वो लिपि को पर मतलब खोजेंगे कि कौन सी लिपि कैसे है। द इंडियन स्क्रिप्ट यूज्ड टुडे हैव देयर डेरिवेशन फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और जो इंडिया की स्क्रिप्ट है जो आज हम लोग यूज करते हैं, उसके जितने भी डेरिवेशन है, प्रमाण हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मिलते हैं। ये जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। Thank you. Stay home, be safe and keep studying.